सो हेलो एवरी वन दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टर माइंड तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारे केमिस्ट्री का आईसीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री केमिस्ट्री एग्जाम्स का यहाँ पर तुम्हारा आंसर की को लेकर डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्स कैसा गया था और पूरा एमसीक्यूज तुम एक बार आंसर्स देख लेना एमसीक्यूज का और फिर ये बताना की एमसीक्यूज में तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है और आउट ऑफ एटी तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो देखो जिन लोगों ने मेरा ई बुक्स लिया था मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया यहाँ पर काफी सारा क्वेश्चन ई बुस से आया था ऑलमोस्ट यहाँ पर तुम बोल सकते हो नाइनटी परसेंट से ऊपर क्वेश्चन था इ बुक से एंड इसके साथ साथ यहां पर जितना भी तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का एग्जाम हुआ था जोग्रफी का एग्जाम्स वो सारा भी डेफिनेटली एग्जामलीट वॉज हेल्पफुल अब यहाँ पर तुम्हारे एग्जाम्स है लास्ट बायो का अगर तुम चाहो तो बायो का ई बुक भी ले सकते हो काफी ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज अभी लास्ट मिनट प्रिपरेशन में तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा तो यहाँ पर लेट्स डिस्कस विद द विदेश यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर थोड़ा ब्लर हो गया इधर तो फर्स्ट क्वेश्चन है अन एलिमेंट इन अनिलियड थ्री इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो सो इट आर गॉन कल ही हमने यहाँ पर यूट्यूब पर भी डिस्कस किया था एमसीक्यू टेबल का उसमें हमने डिस्कस किया था ये तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली वाला आया है हो answer, है होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नेक्स्ट पर तुम्हारा फिजिक्स से बेटर गया होगा तुम्हारा केमिस्ट्री अगर फिजिक्स से बेटर था तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट है यहाँ पर an मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिथियम वाला क्वेश्चन भी था नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन द कंपाउंड दैट इज नॉट एन ओर ऑफ एलुमिनियम सो फ्लोर स्पार सो फ्लो स्पार होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर कैलकुलेशन करना था हमने ऐसा क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट से डिस्कस किया था मूल कॉन्सेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री से वेपर डेंसिटी वाला यहाँ पर एम एम इज इक्वल टू टू इन टू वी डी होता है ये तुम्हें फार्मूला यूज़ करना था तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी दट इज 16 वेपर डेंसिटी कितना आना चाहिए 16 सो आई होप तुम सभी का राइट आंसर आया होगा कैलकुलेशन के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विथ सिल्वर तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था एमसीक्यूज में इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने एफ ई का डिस्कस किया था तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज ए जी माइनस वन माइनस वन इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो ए जी वन प्लस सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है तुम्हारा द मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड विच फॉर्म्स अ डीप इनकी ब्लू सॉल्यूशन यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है तो कॉपर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेवन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा बेंजीन रिंग होता है सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एट इन द लैब प्रिपरेशन एच सी एल गैस इज ड्राइड बाई पासिंग थ्रू सो एच सी एल गैस कैसे ड्राई होता है ये हमने एम सी क्यूज में कल डिस्कस किया था इट इज ड्राइड यूजिंग कॉन्सट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन द नाइट्रेट विच ऑन थर्मल डिकॉम्पोजिशन लीव्स बिहाइंड रेसिड्यू विच इज येल्लो ये तुम्हारा लेड नाइट्रेट होगा लेड नाइट्रेट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है सॉल्ट वाला सॉल्ट फॉन्ड इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज के टू एस ओ फोर नेक्स्ट है तुम्हारा इलेवन फिफ्टीन एमसी क्यूज है टोटल तो इलेवन क्या है इलेवन का आंसर होगा यहाँ पर तुम्हारा विच प्रॉपर्टी इट इज नॉन वोलाटाइल एसिड प्रॉपर्टी सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर एच सी एल नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इलेवन सॉरी दिस इज़ 12 क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसका तुम्हारा हाइड्रोकार्बन विच वेन सोडियम प्रोपायोनेट फॉर्म्ड वेन सोडियम प्रोपायोनेट एंड सोडा लाइम आर हीटेड टुगेदर इट इज इथेन सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट इथेन नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सी एच थ्री सी ओ ओ एच होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सो इसका क्या होगा इसका तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए होगा सी एन एच टू एन प्लस टू नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो कि लास्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर होगा पिंक वाला पिंक कलर फेनोपथेलिन ये हमने कल ही डिस्कस किया था फेनापथेलिन सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट तो आई होप तुम सभी ने यहाँ पर सारा एम राइट किया होगा आउट ऑफ फिफ्टीन तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ एंड इसके साथ साथ क्या तुम्हारे लिए ई बुक्स हेल्पफुल रहा जिन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ई बुक्स परचेस किया था ई e बुक्स से प्रिपरेशन किया था तो क्या तुम्हारे लिए ई बुक्स हेल्पफुल रहा ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना देखो द में भी हम लोग देख लेते हैं हम एम सी क्यूज डिस्कस करने वाले थे बट ये भी डिस्कस करते हैं सोडियम क्लोराइड का क्या होगा सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर तुम्हारा हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा सेकेंड है मिथेन मिथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस कल हमने एम सी क्यूज में भी डिस्कस किया था तो ये होगा एच सी एल गैस एच सी एल का इट विल बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर दैट इज़ हैज़ हाई मेल्टिंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर एच सी एल नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुम्हारा ये जेड एन वाला होगा जेड एन माइनस टू ई माइनस टू इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वाटर का करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला हैज़ टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग होगा कि रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग होगा नेक्स्ट है तुम्हारा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट है तुम्हारा हायर द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन कल ही हमने डिस्कस किया था कि पीएच वैल्यू सेवन न्यूट्रल होता है अगर इस साइड है हाई हाई है अगर पीएच वैल्यू तो बेसिक होगा मतलब एल्केलाइन होगा और अगर इस साइड होगा तो एसिडिक होगा तो यहाँ पर एल्केलाइन होगा फिर नेक्स्ट है डी इसका तुम्हारा होगा सिल्वर क्लोराइड व्हाइट पीपीटी वाला का सिल्वर क्लोराइड और लास्ट है तुम्हारा हाइड्रोजनेशन। सो आई होप कि तुम सभी ने अच्छे से एग्जाम्स दिया होगा सब कुछ अच्छे से किया होगा इसका आंसर जो है ये सब भी देखो इजी था नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था सारा कुछ यहाँ पर ई e बुक्स के अंदर था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने बोला था तुम्हें प्रैक्टिस करने इजी था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आईयूपीएस नेमिंग इसका तुमने क्या लिखा यह चीज तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ आईयूपीएससी नेमिंग करना था सो वॉट इज द नेम ऑफ दिस कम्पाउंड ऑर्गेनिक कम्पाउंड ये चीज तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ बी का वन सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो हमने आंसर की डिस्कस किया तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है एमसीक्यूज में और आउट ऑफ एटी तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड ई e बुक तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा ये चीज तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ अब तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है कंप्यूटर का दो दिन का गैप मिला है तो कंप्यूटर या फिर कमर्शियल एप्लीकेशन फिर तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन होम साइंस जो भी सब्जेक्ट है अच्छे से प्रिपरेशन करो दो दिन का गैप मिला है अच्छे से प्रिपेरेशन करो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग